हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत। यह है टीवीएस राइडर 125। इसमें आपको चार वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। चारों के प्राइस अलग अलग हैं। फर्स्ट वेरिएंट इसमें आपको 1,13,000, सेकेंड वेरिएंट इसमें आपको 1,14,000, थर्ड वेरिएंट 1,17,000, फोर्थ वेरिएंट 1,20,000 में आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके सामने पेश है। चलिए इसके फीचर्स भी जान लेते हैं। इसमें जो मीटर है आपको डिजिटल मीटर अवेलेबल देखने को मिल जाता है। बात करें इसके की की, तो यहाँ पर आप इसका जो की है लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। एग्जिस्ट भी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात इसके हैंडल बार की, तो आपको कुछ इस प्रकार से हैंडल बार देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड आपको कुछ स्विच देखने को मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न। राइट साइड में आपको स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको क्लच ब्रेक दोनों आपको अच्छे क्वालिटी में देखने को मिल जाते हैं। दोनों साइड में आपको मिलेंगे मेटल के। और बात करें दोस्तों इसके गियर की, तो इसमें आपको सिंगल गियर देखने को मिल जाता है। एक ही गियर से आप छोड़ा भी सकते हो, पकड़ा भी सकते हो। मेन स्टैंड और साइड स्टैंड कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। रही बात इसके, यहाँ आपको सीट लॉकर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप सीट खोल सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। आप इसे 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करके ले सकते हैं। आगे मैं आपको, अगर आप कैश लेना चाहते हैं, तो बताऊंगा कैश में आपको कितने में पड़ेगी। अगर आप 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन अमाउंट बनेगा 83,000 का। अगर आप इसे 36 मंथ का कराते हैं तो जो इंटरेस्ट लगेगा 11.25% का। अगर टोटल अमाउंट निकालेंगे तो आ जाएगा 1,41,478 रुपये। अगर पर मंथ का ईएमआई निकालेंगे तो 3,091 रुपये आपको पर मंथ ईएमआई पे करना होगा, जो कि सही है दोस्तों। आपको कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हो, जो कि 30,000 है। आप ज़्यादा भी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट आपको कम लगेगा। इसका जो हेडलाइट है आपको कुछ इस प्रकार से इसका हेडलाइट देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट में आपको नंबर प्लेट भी देखने को मिलेंगे। इसका जो मिरर है कुछ इस प्रकार से आपको फाइबर में मिरर देखने को मिल जाएंगे। यह है एग्जस्ट पैनल, जो कि काफ़ी सही है। और इसमें आपको हॉर्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। बात करें इसके फ्रंट टायर में, तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। रही बात इसके सस्पेंशन की, तो कुछ इस प्रकार से इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। जो इसका फ्यूल टैंक है, आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और रही बात इसके मॉडल की, जिसमें आपको टीवीएस का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाता है। राइडर की मॉडल आपको सामने देखने को मिल जाएगी, जो कि इसका इंजन है। इसमें आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। ये आपको मेडगार्ड है दोस्तों, इसे लेग गार्ड भी कहते हैं। और रही बात इसके रियर सस्पेंशन की, तो कुछ इस प्रकार से रियर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। एग्जस्ट भी कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जो इसका माइलेज है आपको 56.70 किलोमीटर का ये माइलेज दे देती है। सीट हाइट इसमें आपको 780 mm सीट हाइट देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। जो इसका टी लाइट है, कुछ इस प्रकार से इसका टी लाइट देखने को मिल जाता है। जो इसका वेट है, 123 kg वेट देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन इसमें आपको 5-speed मैनुअल गियर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसे कैश लेना चाहते हैं तो एक शोरूम प्राइस 95,219 रुपये है। RTO इसमें आपको 8,384 रुपये। इंश्योरेंस की बात करें तो 6,678 रुपये। स्टैंडर्ड एक्सेसरीज इसमें आपको 2,200 रुपये। PDI चार्ज, जो कि पेपर वर्क चार्ज होता है, आपको 900 रुपये। ऑन रोड प्राइज 1,13,300 रुपये देखने को मिल जाएंगे ऑन रोड प्राइज। अगर दोस्तों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।